दोस्तों आपने लाइफ में बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर ये मूवी आप अकेले में देखोगे ना, देन ये मूवी देखकर आपके दिमाग और दिल की धजिया तो जरूर उड़ने वाली है, लेकिन आपकी बॉडी भी यही कहेगी कि भाई बंद कर दे। दोस्तों मूवी का नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डोई। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी एंड इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है एंड्री ओवरडल। दोस्तों ये 2016 में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज में गिनी गई थी। रीजन इसका कंटेंट, कंसेप्ट एंड सिनेमेटोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण आप इस मूवी को देखना पसंद करोगे। दोस्तों एक घर में मर्डर हो जाता है 4 लोगों का, एंड वो मर्डर इतना बुरे तरीके से हुआ होता है ना कि आप देख के हैरान हो जाओगे। एंड जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, देन बेसमेंट में उन्हें एक लाश मिलती है लड़की की। बहुत हैरत अंगेज वाली बात होती है, उस लड़की के ऊपर एक भी निशान नहीं होता, इंस्टेड उसकी बॉडी इतनी शाइन कर रही होती है ना कि पुलिस इंस्पेक्टर सोचता है भाई करना क्या है। दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट हाफ। दूसरे हाफ में आपको पता लगेगा वो भेजता है बॉडी को ऑटोप्सी के लिए। अब ऑटोप्सी क्या होता है, अगर आप लोग भारतीय हो देन आपने CID देखा होगा। CID में डॉक्टर सालू के क्या करते हैं, बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं क्या हुआ है क्यों हुआ है, तो दोस्तों उसे कहते हैं ऑटोप्सी। एंड इंस्पेक्टर वो करने के लिए भेज देता है एक घर पर, घर के नीचे बनी होती है बहुत बड़ी फैक्ट्री इन चीजों को करने के लिए। वहां पर होते हैं दो बंदे जो ऑटोप्सी का ही काम करते हैं, वो लाश वहां पे चली जाती है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होगे कि बस मर्डर हो गया, ऑटोप्सी होगी, दैट्स इट ना। भाई साहब मूवी तो यहाँ से स्टार्ट होगी जब उसकी ऑटोप्सी की बारी आती है। जिस हिसाब से उसकी ऑटोप्सी होती है ना, मैं कहता हूँ आपकी जीभ बाहर आ जाएगी कि भाई ये चल क्या रहा है, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी कि भाई इसे बंद कर जल्दी। द वे दे मेक द मूवी, एक भी जंप स्केयर नहीं है मूवी में, इतना टेरर है ना, इतना लाइक बंदा बीच में घुस जाता है। भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आधी मूवी कंप्लीट हुई मैं बंद करने पे आ गया था। भाई आप अगर ईयरफोन लगा के मूवी को देखोगे ना, आप यही कहोगे भाई निकालो। वो जो म्यूजिक, वो जो साउंड बड़े बड़े कानों पे बजती है ना, वो बंदा देख नहीं पा रहा। भाई मुझसे नहीं देख हुई, एंड अगर आप लोगों से देख हुई तो मुझे बताना। इतने अच्छे प्लॉट्स, ट्विस्ट एंड जो रीजन बाहर निकल के आते हैं ना उस लड़की के राज के, भाई यार आप हिल जाओगे। भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अभी टाइम निकालो, बाकी मूवीज को छोड़ो, इस मूवी को जाके देखो, अभी लगाओ। एंड मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको मूवी पसंद आएगी ही आएगी अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है। काटना मारना बहुत है, न्यूडिटी एंड अडल्ट कंटेंट है। दोस्तों लड़की का जब ऑटोप्सी होता है, देन उसे बिना कपड़ों के लिटाया जाता है, हर एक चीज दिखाई देती है। एंड जिस हिसाब से काटना होता है ना भाई, मैं जुबान पर भी नहीं ला सकता। मैं इसीलिए कहूंगा अगर आप लोग 18 से कम हो, देन मूवी मत देखो, इग्नोर कर दो इस वीडियो को। अगर ज्यादा हो, एक बार ट्राई दो, आपको अच्छी लगेगी मूवी, आपका रात या आपका दिन आज बन ही जाएगा। बाकी दोस्तों यही कहूंगा, बहुत कमाल की सुपर नेचुरल हॉरर टेरर मूवी है, इंजॉय करो जाके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड नीचे सब्सक्राइब बटन तोड़ लो। भाई किस बात की देरी है।